अतरसुईया थाना क्षेत्र के अतरिया थाना क्षेत्र में दो हफ्ते पहले हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 किलो 22 ग्राम चांदी, घटना में उपयोग में लाई गई मोटरसाइकिल, 1 अवैध देसी तमंचा, 315 बोर एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। कड़ाई से पूछताछ में पता चला है कि इरफान रियाज नियाज अंसारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की रेकी की जाती थी जो बैग लेकर अकेले ही कहीं जा रहा हो। रेकी के उपरांत इरफान रियाज अपने साथी राजा और वली साजिद, उस व्यक्ति के बारे में बताकर इशारा कर दिया जाता था। इसके बाद राजा अली मोहम्मद मोहम्मद साजिद उसके पीछे लग जाते थे तथा सुनसान जगह पर मौका पाकर तमंचा दिखाकर घटना को अंजाम दे दिया करते थे। थाना अतरसुईया में 24 जनवरी को एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें मुकेश निषाद नाम के एक चांदी के व्यापारी के पास से 3 बाइक सवारों के द्वारा चांदी का एक बैग था जो लूट लिया गया था, जिसका भी आज सफल अनावरण किया गया है। उसमें 5 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 लोग बाइक पर लूट की घटना में शामिल थे, बाकी 2 लोग रैकी कर रहे थे, वो स्कूटी से उनके साइड में चल रहे थे और पता लगा रहे थे कि व्यापारी कहाँ पर मूव कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें 100% बरामदगी की गई है। किस तरह का गैंग है ये, इसके पहले भी किया आपराधिक? इनका आपराधिक इतिहास रहा है, इनमें एक इनका मुख्य सरगना रियाज है, उसके खिलाफ उतराव थाने में एक डकैती का मुकदमा भी लिखा गया है। बाकी सभी के खिलाफ दो तीन मुकदमे पहले से लिखे हैं और ये लूट की घटना को देने वाला एक तरह का गैंग है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक।